ओए होए होए लेवल ही अलग है भाई, लेवल ही अलग है। कितना भी हर बाइट में अलग मजा है, हर बाइट में मजा। और टाइगर बहुत ही खूबसूरत जगह है कराची की, सब दबा के कुल्फी खा रहे हैं यहाँ पर भाई, जितने भी आए हैं पीछे माशाल्लाह से सारे के सारे कुल्फी खा रहे हैं, और कुल्फी की बड़ी मजे की होती है। मजा आ गया। सिंधी मुस्लिम पे आ गए सिजर्स। कराची रोशनी और शहर ऐसे ही कहते हैं भाई। हमने आना है सिजलर, वो रखा हमने। सेटिंग चेक करें भाई यहाँ का। थैंक यू मेरी जान। ये दिस इज द मेन्यू सिजलर का। नाम क्या है आपका? हमाद मलिक। हमाद भाई ये बताएं आपका बेस्ट क्या है सेलिंग आइटम और सबसे यहाँ का बीफ स्टेक सबसे बेस्ट है। सिजलर फायर स्टेक सबसे ज़्यादा स्पाइसी है। मोरक्कन स्टेक नॉर्मल स्पाइसी होते हैं। व्हाइट सॉस में टैरागोन है, नॉर्मल स्पाइसी होता है। मशरूम सॉस में बिल्कुल नॉन स्पाइसी होता है। यही दो है व्हाइट सॉस ये है ना। हम लोगों की एप यूज़ कर रहे हैं, उसमें बड़ा मज़े का डिस्काउंट आएगा। दो आ जाएंगे चिली विद राइस, बाय वन चिली चिकन चिली विद राइस, गेट वन चिली चिकन विद राइस। सही आया आप तो सीजर पे आके आप वन चिकन चिली ड्राई मंगाएंगे, इस पे आपको एक और मिलेगा, एक के साथ एक फ्री। बात समझ रहे हैं आप? चिकन चिली अब तक ऑर्डर आ रहा है, आपको जरा सीजर के सिनेमैटिक शॉट दिखा। चूहे जो है दौड़ रहे हैं, कश्तियां लड़ रहे हैं। चिकन चिली विद राइस ये हमने मंगाया है, ये भाई ने ऐप खरीदी है, खर्चा ऐप को भाई ने कर दिया। ये टेरागोन स्टेक विद वेजिटेबल्स और यहाँ पर चिकन चिली ड्राई हमने मंगाया है, बहुत ही ज़बरदस्त। दो किस्म के स्टेक हैं, एक फायर स्टेक है हमारे पास और एक है टेरागोन सॉस में बीफ मिर्च। दोनों स्टेक आ चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त सिजलर हो रहे थे, बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर सिजलिंग हो रही थी। अब हम करते हैं इनका स्पेशल टेरागोन सॉस के साथ बीफ स्टेक ट्राई। ये टूट गया भाई, काफ़ी गर्म है, अगर मैं इसका बाइट ले सका तो ले लूँगा, अदरवाइज थोड़ा इसको गर्म ठंडा करते हैं। ठंडा कर लूँ तेरा, बहुत गर्म है, मेरा मुंह जल जाएगा, उंगली ऑलरेडी जल गई है। बहुत टेस्टी है, बहुत ज़बरदस्त है। बेहतरीन एक बाइट में ना मेरा टेस्ट बड्स जो है ना वो हिल गए। थोड़ा वेजिटेबल खा लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मस्ट ट्राई यार, पूरे मेन्यू में ना बीफ टेरागोन बाद ही ले लिया, बहुत डिलीशियस है, बहुत ज़बरदस्त है। एक बाइट लेते हैं इसकी चिकन की, ये स्पाइसी है लेकिन चिकन और बीफ का मुकाबला तो है नहीं, लेकिन हमने कहा दोनों ट्राई करते हैं। अब चिकन को मैं चिकन की तरफ से देखता हूँ कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चिकन लवर है उनके लिए चिकन का फायर स्टेक बहुत बेस्ट है। और चिकन लवर स्पाइसी है बहुत, और ये उनके लिए बहुत बेस्ट है जो चिकन लवर है। दोनों अपनी जगह बहुत बेस्ट हैं। इसका सॉस बहुत अच्छा टेरागोन। एक और बाइट तो रिव्यूज़ मेरी तरफ से भाई 10+10 है। रिव्यूअर्स आएँ इनका स्टेक ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त है। बीफ टेरागोन तो नो डाउट बहुत डिलीशियस है, लेकिन गर्म बहुत है।
बहुत जूसी। ओए होए होए, लेवल ही अलग है भाई, लेवल ही अलग है यार। इतना कोई मज़ेदार है ना। फाड़ दिया सुनो भाई, ले गया यार। इसके आगे कुछ और दिल ही नहीं कर रहा खाने का। इसका सॉस क्या है, और बीफ इतना टेंडर है और साथ में जूसी इतना है ना, उसका जो एक अलग ही जूसनेस, कच्चा बन नहीं है बिल्कुल भी, अलग ही जूसनेस आ रही है। बंदा आए खाली आके जो है ना, इसका बीफ टेरागोन का स्टेक खाए बस, और कुछ नहीं मंगाए, वही लाजवाब है। हर बाइट में अलग मज़ा है, हर बाइट में अलग मज़ा है। नहीं आओ, बाकी का मैं ट्राई करते हैं। फाइनली द फूड इज ओवर। रेटिंग की बात करें तो बीफ टेरागोन स्टेक ने ना दिल लूट लिया और महफिल भी लूट ली। बीफ स्टेक जो था वो ऑलमोस्ट हमें 1800 का पड़ा है, और चिकन स्टेक हमें पड़ा है 1200 का। जिस तरह पैसों में फ़र्क है, क्वालिटी में भी फ़र्क है। बीफ की बात ही अलग है। उसके बाद टेरागोन सॉस ने तो चार चांद लगा दिया। हमें सॉस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मस्टर्ड सॉस इतना बेहतरीन सॉस होता है, लेकिन हमें याद ही नहीं रहा क्योंकि उसका ऑलरेडी टेस्ट इतना अच्छा था कि हमने रॉ में खाया, तो उसका अपना सॉस उसका खाया ना, हमें इस सॉस की ज़रूरत पड़ी ना हमें केचप की ज़रूरत पड़ी, सब ऐसे ही रह गया। बीफ टेरागोन स्टेक जब ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत डिलीशियस होता है, और इसको मीडियम में आप बनवाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बिल्ड होगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। सिज़लर का फूड रिव्यू बहुत अच्छा रहा मेरी तरफ से, ये रिकमेंडेड है, आप आएँ ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर इनके स्टेक बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बीफ में मेरी उंगली जल गई भाई स्टेक से। जो चिकन लवर है ना भाई, वो चिकन ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर चिकन भी बहुत अच्छा है। जो चिकन जो ज़्यादा शौक से खाते हैं उनके चिकन बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बीफ लवर हूँ तो मेरे लिए तो बीफ 10% 100%। चलो भाई, उस सिलसिले से उठ रहे हैं, अब जा रहे हैं कुछ और ट्राई करने के लिए। स्ट्रीट फूड देखते हैं क्या अच्छा मिलता है हमें, कुछ मीठे में हो जाए, बिल मंगा लेते हैं। मुझे आपका टेरागोन सॉस वाला जो था ना बीफ, बड़ा मज़ा लगा, फैमिली को लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मेरे भाई। ताई रोड पर आ गए हैं भाई, अब यहाँ पर जो है ना रहमत हिजरी की कुल्फी खानी है। ताई रोड की गलियों में घूम रहे हैं, और ताई रोड बहुत ही खूबसूरत एक जगह है कराची की, न्यू जाहिद रेस्टोरेंट, यहाँ का खाना ही बहुत अच्छा होता है। सब दबा के कुल्फी खा रहे हैं यहाँ पर भाई, जितने भी आए हैं पीछे माशाल्लाह से सारे के सारे कुल्फी खा रहे हैं, और कुल्फी इसकी बड़ी मज़े की होती है। जिस तरह से रश लगा हुआ है ना यहाँ पर माशाल्लाह से, तो सारे सिटिंग जो है ना वो कुल्फी की है। खाने के बाद रहमत हिजरी की कुल्फी, मज़ा दोबाला हो जाता है। जिस तरह का रश चल रहा है और जिस तरह लोग कुल्फी दबा के यहाँ पर खा रहे हैं ना, तो भाई वैसे ही आप लोगों को पता होगा कराची पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बेस्ट अपने खाने की वजह से माना जाता है, और हमारी कुल्फी आ गई है। ओए होए, अगर आप एक कुल्फी का बाइट लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत टेस्टी यार, ज़बरदस्त है। मीठा भी नॉर्मल है, ज़्यादा मीठी नहीं है, मतलब आप खा सकते हैं आराम से, ज़्यादा मीठी होती तो कम खाई जाती है, इन्होंने मीठा भी बिल्कुल नॉर्मल रखा हुआ है। मज़ा आ गया, बहुत डिलीशियस है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। ताई रोड से गुजर रहे हो और रहमत हिजरी के पास से जा रहे हो, तो यहाँ की कुल्फी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी होती है। एनी आओ, आज का फूड रिव्यू बहुत ज़बरदस्त रहा। सिज़लर का स्टेक बहुत ज़बरदस्त था, बीफ टेरागोन, उसके बाद रहमत हिजरी की या कुल्फी, इसने भी दिल लूट लिया माशाल्लाह से। तो आज की पार्टी बड़ी हार्ड हो गई, और माशाल्लाह मज़ा आ गया। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, चला जा। मेरे कार से पैसे नहीं निकल रहे भाई, और बिल जो है ना फैजान भाई दानिश भाई ने दिया, तो आज की ट्रीट जो है ना वो दानिश भाई और फैजान भाई की तरफ से बन गई। सॉरी, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम श्योर SBL बैंक है भाई, पैसे नहीं आ रहे ना, क्या करें, पैसे नहीं आ रहे भाई। मेरे तरफ से जो है ना आज की ट्रीट जो है ना फैजान भाई और दानिश भाई की तरफ से, क्योंकि भाई मैं पैसे नहीं ला सका, भूल गया ऑफिस से निकलते हुए, तो अभी बैंक आया और ATM नहीं चल रहा भाई SBL का, क्या करें, बिल्कुल यूं करके। ये देखो कैश, फास्ट कैश में गए हम, पैसे निकल के तो आपके नहीं निकले, तो भाई 5000 रुपए निकाल दिए। एक बार और अटेम्प्ट कर रहा हूँ भाई के लिए, अगर पैसे नहीं निकले तो भाई SBL जिंदाबाद। SBL को पता है ना, अभी पैसे बचा रहा है मेरा SBL, नहीं चल रहा, लिंक डाउन है भाई, लिंक डाउन है, इत्तेफाक से आज लिंक डाउन है, मेरे पैसे बच गए, मजे से खा लिया मैंने, बहुत अच्छा। अब तो स्टेक का जो जायका है ना मेरे मुंह में बहुत ज्यादा आने लग गया, और जो कुल्फी थी ना वो तो बहुत मजे की थी यार, बेहतरीन कुल्फी थी। फैजान भाई के पैसों की कुल्फी मैंने खाई है, और फैजान भाई के पैसों का मैंने बीफ स्टेक खाया, उफ मजा आ गया, क्योंकि भाई पता है आपको फ्री का खाना कैसा होता है, आज आज का खाना फ्री हो गया। देखा फैजान भाई को मैंने बोल दिया भाई, अगर पैसे निकल गए तो उनके नहीं निकले तो भाई उनकी तरफ से देना, सही है ना भाई, सही फैजान भाई, जी जी, थैंक यू वेरी मच फैजान भाई।